नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रोहतक से ये बड़ी खबर, मकड़ौली गांव में फायरिंग से सनसनी। गांव के एक युवक के कंधे में लगी है गोली, गंभीर अवस्था में रोहतक पीजीआई में कराया गया भर्ती। गांव के युवक और उसके साथी पर फायरिंग का आरोप लगा है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रंजिश का हो सकता है मामला, और घायल युवक की बाइक भी लेकर फरार हो गए हमलावर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, और ऐसे में आपको यह भी जानकारी दें कि पुरानी रंजिश का मामला है। रोहतक से बड़ी खबर, मकड़ौली गांव में फायरिंग से सनसनी सी मची हुई है। गांव के एक युवक के कंधे में लगी है गोली, इसके अलावा गंभीर अवस्था में रोहतक पीजीआई में उन्हें भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। गांव के युवक और उसके साथी पर फायरिंग का आरोप है। सदर थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रोहतक से मकड़ौली गांव में फायरिंग से सनसनी सी मची हुई है। गांव के एक युवक के कंधे में लगी है गोली, और गंभीर अवस्था में रोहतक पीजीआई में कराया गया है भर्ती। गांव के युवक और उसके साथी पर फायरिंग का आरोप लगा है। सदर थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, उनकी पहचान करने में जुटी हुई है कि आखिर किन किन लोगों ने मिलकर फायरिंग की है। रोहतक से बड़ी खबर, मकड़ौली गांव में फायरिंग से सनसनी सी मची हुई है। आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, लोगों के बीच में खौफ का मंजर भी देखने को मिला जब खुलेआम इस तरीके से फायरिंग हुई। गंभीर अवस्था में रोहतक पीजीआई में उस शख्स को भर्ती करा दिया गया है जिसको गोली लगी है, जिसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सदर थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, जांच लगातार की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सुरेंद्र जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, क्या है पूरा मामला, क्या अभी तक खुलासा हो पाया कि आखिर क्या वजह रही जब लोगों ने मिलकर एक शख्स के ऊपर फायरिंग की? जी देखिए, ये मकड़ौली गांव की देर शाम की घटना है, जहाँ साई नाम का युवक अपनी बाइक पर जा रहा था तो तभी अचानक उससे युवक आते हैं और उस पर फायरिंग करते हैं, और उसके कंधे पर गोली लगी थी, और गोली लगने के बाद उसे रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में मामला दर्ज कर जाँच कर रही है, फिर अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए सुरेंद्र, लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के रहने वाले युवक संदीप की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई थी। मृतक की पत्नी ने अवैध संबंधों में बाधा बनने पर किरायेदार प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कराई थी। पुलिस ने हरिओम और मनीषा को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सोनीपत की कुंडली थाना पुलिस को 15 जून को नहरा गांव के डबल नहर पुल के पास पटरी पर एक युवक का शव पड़ा मिला था। उसकी पहचान दिल्ली के नजफगढ़ के नंगली गांव सकरवती के संदीप के रूप में हुई है। संदीप के पिता श्रीओम ने कुंडली थाना में उसकी हत्या और शव को खुर्द बुर्द करने का केस दर्ज कराया था। संदीप के पिता श्रीओम ने पुलिस को बताया कि चार भाई बहनों में सबसे बड़ा संदीप 14 जून को शाम को स्विफ्ट कार से सोनीपत जाने के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा। और इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की और उसके बाद आरोपियों को धर दबोच लिया गया। तो संदीप हत्याकांड का खुलासा हुआ, पत्नी नहीं कराई थी संदीप की हत्या, अपने प्रेमी संग मिलकर संदीप की हत्या कराई थी।